न खाता न बही, जो सोनिया गांधी जी ने कह दिया वही सही, 16 आने सही। अब सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति संभली हुई है, तो उनके चश्मे के हिसाब से सही ही है। कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार कोरोना की स्थिति को संभाले हुए है और महाविकास अघाड़ी के कार्यों से संतुष्ट हैं। चलिए सोनिया गांधी जी कहीं से तो संतुष्ट हैं, महाराष्ट्र से ही सही, कांग्रेस समर्थित सरकार जो है महाराष्ट्र में। अरे सोनिया गांधी जी पक्षपात थोड़े ना करती है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो संतुष्ट किस बात से है। इसलिए कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोविड लोड केस वाला राज्य है, 44 लाख से ज्यादा मामले हैं, ऑलमोस्ट 3 times द सेकेंड हाईएस्ट स्टेट केरला। रोजाना सबसे ज्यादा नए कोविड मामलों वाला राज्य है, इसलिए मंगलवार को ही 66,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। महाराष्ट्र कोविड की वजह से सबसे ज्यादा मौतों वाला राज्य बन गया है, इसलिए संतुष्ट हैं। 66,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 800 से ज्यादा लोग मंगलवार को ही मर चुके हैं। मोर देन 4 times द सेकेंड हाईएस्ट स्टेट दिल्ली। सर्वाधिक टेस्ट पॉजिटिव रेशियो और अपर्याप्त परीक्षण वाला राज्य है, इसलिए हाँ सोनिया जी इसलिए भी संतुष्ट हो सकती हैं क्योंकि अस्पताल में आग लगने के कारण कोविड के भर्ती 19 मरीजों की मौत हो गई थी। पिछले हफ्ते पालघर के विरार में आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई थी। इसी महीने की शुरुआत में नागपुर में आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई थी। शायद इसलिए संतुष्ट है। महाविकास अघाड़ी सरकार ने जनवरी में ही 25% स्वास्थ्य कर्मचारियों की छटनी कर दी थी, ये सोचकर कि कोविड खत्म हो चुका है। हाँ शायद सोनिया गांधी इसलिए भी संतुष्ट हो सकती हैं कि महाराष्ट्र आज स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है, या फिर भीड़ में एक ही एम्बुलेंस से कोविड रोगियों के 22 शवों को एक साथ ले जाने से संतुष्ट है, या इससे संतुष्ट है कि पिछले हफ्ते ही नासिक में एक अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव के कारण 24 मरीजों की मौत हो गई थी। अच्छा तो सोनिया गांधी जी इसलिए भी संतुष्ट हो सकती हैं कि पिछले एक साल से महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते रहे, पूरे देश में कोविड फैलता रहा और महाविकास अघाड़ी सरकार वसूली में व्यस्त रही। चलिए सोनिया जी हम तो यही दुआ करेंगे कि भगवान आपकी संतुष्टि भाव को सद्बुद्धि प्रदान करें और देश को कोरोना की महामारी से बचाएं। जय हिंद।